अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सानिया सुल्ताना और आप देख रहे हैं आई एच ओ न्यूज़। आइए नाज़रीन जानते हैं हमारी आज की अहम खबर। दिलशाद नगर कॉलोनी यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन रति बोली मैथी पट्टनम की जानिब से आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फ्लैग हॉस्टिंग ऑन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा गया, जिसके जनरल सेक्रेटरी जनाब साली बिन अब्दुल्ला बहाजक साहब है और मेहमान खुसूसी के तौर पर रिटायर्ड जज बंदे अली साहब, गुलाम मोहियुद्दीन फारूकी, मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम बाज, नईम सादिक, मोहसिन बिन अली ताहिर साहब मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी दी गई हुई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज 15 अगस्त के दिन 75 रिपब्लिकन डे, जो बड़ी खुशी और खूबी से आज़ादी का दिन दिलशाद नगर कॉलोनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मनाया गया, जिसमें हमारे सदर मोहतरम गुलाम मोहियुद्दीन फारूकी साहब और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस साहब, जनरल सेक्रेटरी साले बिन अब्दुल्ला बहाजक, ट्रेजरर राम कुमार साहब और मेरे हरदिलजीज़ भाई मदीना मस्जिद के सदर सादिक साहब और मोहसिन बिन अली भाई, अली भाई और ताहिर भाई, पूरे कॉलोनी के मेरे भाइयाँ जो बुजुर्ग शख्सियत है और अमीन भाई, पूरे शरीक रह के ये 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाए, जिसमें क्रिकेट टीम भी शामिल थी, फुटबॉल टीम भी और रनिंग भी, पूरे यूथ एसोसिएशन जो हमारा जो प्रोग्राम अरेंज करे उसमें बड़े खूबी से क्रिकेट टीम भी खेली, क्रिकेट और फुटबॉल टीम भी फुटबॉल खेले और रनिंग टीम भी हिस्सा ली और उनको अवार्ड दिए। 10:30 को अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें रिटायर्ड जज बंदे अली साहब शरीक हुए और सिद्दीकी भाई ब्लैक होस्टिंग बंदे अली साहब किए और सिद्दीकी भाई भी थे और कॉलोनी के मेरे भाई बच्चे, प्यारे बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और हम मेरा पेशा ही खिदमत खल्क करना और ये 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग कॉलोनी की तरफ से धूमधाम से मनाते और बड़ी खुशी होती हम लोगों को। यहाँ के कॉलोनी के बच्चे हिस्सा लेते और बच्चों में इंकरेज फुटबॉल खेलना, मोबाइल नहीं पकड़ना बोल के हम लोग स्पोर्ट करा के बच्चों को और मेडिकल कैंपा लगाना, ये अच्छा प्रोग्राम हम लोग कॉलोनी की तरफ से करते और बड़ी खुशी की बात है। इस प्रोग्राम में साबिका चेयरमैन मिनोरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन अकबर हुसैन साहब भी शरीक हुए और मेरे भाई सिद्दीकी भाई और मदीना मस्जिद के सदर सादिक साहब और मोहम्मद बानईम साहब जो हाफिज आलिम साहब है और बड़ा उनके स्कूलों के चेयरमैन हैं, उन्होंने मदरसे इलाहिया स्कूल बारकस की मशहूर शख्सियत इसमें शरीक हुई। हमारे को खुशी हुई कि बानईम साहब, मोहम्मद बानईम साहब शरीक हुए, मोहम्मद बिन अब्दुलरहीम बानईम साहब शरीक हुए, जो अच्छा खासा प्रोग्राम को लेके चले और पूरे कॉलोनी के भाइयों से और मेरे यूथ से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि लोग बड़ा अच्छा यानी कॉरपोरेट टाउन करते कॉलोनी के मेरे भाइयाँ और ये प्रोग्राम और जो भी है कॉलोनी के लिए और मेरे कॉलोनी के बच्चे इंशाल्लाह IPS IAS ऑफिसर बनेंगे और नाम रोशन करेंगे। क्रिकेट टीम में जैसा फसलान सर के सिराज है वैसा नाम रोशन करेंगे। इतना बोलते हुए शुक्रिया, जजाकल्ला खैर, खुदा हाफिज़। आज का दिन तारुफ का दिन नहीं है, ये हर आदमी, हर शख्स, हर बच्चा बखूबी वाकिफ़ है। मैं अब्दुल्ला साले साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी काविशों की वजह से ये प्रोग्राम हर साल तय होते आया है और बड़ी कामयाबी के साथ इसको जो है पाए तकमील को पहुँचाया जाता है। अब्दुल्ला साले साहब हर दिल अजीज़ और काफ़ी जो है दिलचस्पी रखते हैं डेवलपमेंट के मामले में, हर एक की परेशानी के ताल्लुक से हर एक की जो है
इमदाद करते हैं, मदद करते हैं। आधी रात को जो है आप उनका दरवाज़ा खटखटाइए, आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत ही जज्बाती और बहुत ही हरदिल अजीज़ और बहुत ही मुखलिस शख्सियत है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्ला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अब्दुल्लाम खान अमीन, दिलशाद नगर कॉलोनी यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज जो हिंदुस्तान की 75वीं आज़ादी मनाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर आज यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी रहा है। जो कंटेस्टेंट क्रिकेट के, फुटबॉल के, रनिंग के और दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ की एसोसिएशन ने करवाई थी पिछले वीक, और इसमें जो है काफ़ी बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कॉलोनी का, इस प्रोग्राम को, इस बच्चों के मुस्तकबिल को अल्लाह ताला रोशन बनाए। और यहाँ की मस्जिद के सदर जनाब सादिक साहब, कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी जनाब साले बिन अब्दुल्ला साहब, और हमारे सोशल एक्टिविस्ट हमारे अली भाई और दीगर मेहमान माशाल्लाह से शरीक थे इस प्रोग्राम में। और यहाँ के सदर जनाब फारूक मुहिद्दीन साहब की, ग़ुलाम मुहिद्दीन साहब की माशाल्लाह काविशें और मेहनतें जो है इस प्रोग्राम की जो है रहनुमाई करती है। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को जो है आने वाले सालों में भी जो है बखूबी अच्छे अंदाज में जो है चलाया जाएगा, ताकि हमारे आने वाले नस्लें जो है कामयाब हो, और उनकी नस्लों की रहनुमाई के लिए जो है इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे मेम्बरान और सारे जो है यहाँ के जो गेस्ट हैं इंशाअल्लाह ताला वो सब हर कोई जो है उनको जो है रहबर बन के जो है रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खादिम उर्दू सदर तेलंगाना उर्दू कौंसल और हमारे नायब सदर तेलंगाना उर्दू कौंसल जनाब हाजिर खान साहब के दरमियान में है। मैं आज बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मसरत के साथ यहाँ पर जो है चंदगढ़ कॉलोनी में जो अब्दुल्ला बिन साले साहब वो जी कसर की तरफ से जो आज 15 अगस्त 75वीं योम आज़ादी तकरीब के मौके पर जो हम सबको यहाँ मौजूद करे और जो इज्जत अफजाई किए, उसका मैं ये चैनल के ज़रिए आप तक मुबारकबाजी पहुँचाते हुए उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला यहाँ जैसे कि मोइन साहब और आपके साजिद साहब अली भाई भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पे मस्जिद कमेटी के सदर साजिद साहब है, एस के मोइन अमीन साहब है, और मैं साले बिन अब्दुल्ला साहब की उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक अच्छा यूथ असर की तरफ से यहाँ पर बहुत अच्छे हौसला अफजाई का काम कर रहे हैं। मुझे मुबारकबाद देते हुए अल्लाह ताला से दुआ हुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती के साथ मजीद हम मिलत की खिदमत का मौका अता फरमाए। और मैं साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि एक इंशाअल्लाह ताला ये यूं तस्वीर और परवान चढ़ेगी, और यहाँ के जो भी नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं इसको खैर तस्वीर पेश करते हुए योम आज़ादी की दिन मुबारकबाद देता हूँ। इस इज्जत नजर पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।